Let us discuss some reasoning questions from alcohols and phenols. Alcohols have higher boiling point than that of hydrocarbons. Primary alcohols are more acidic than secondary alcohols. Phenol is a stronger acid than alcohol. Alcohols have low boiling point than corresponding acids, and alcohols are more soluble in water than hydrocarbons. Let us discuss these questions one by one. The first one is, alcohols have higher boiling point than that of hydrocarbons. Explain why. जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने जाएंगे तो हमारे पास तीन की पॉइंट्स पता होने चाहिए. फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जिस भी मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट को हमने चेक करना है, उसमें कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है. दूसरा पोलैरिटी, कि मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है. और तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास, वो है वैन डेर वाल्स फोर्सेस, कि मॉलिक्यूल्स में वैन डेर वाल्स फोर्सेस ज़्यादा हैं कि कम है. हमारे पास क्वेश्चन है अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन्स के बीच में. अल्कोहल, हम कोई भी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम अल्कोहल ले लेते हैं, कि अल्कोहल हमारे पास सपोज करो ये है इथेनॉल, और इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन हमारे पास है. कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस को कंसीडर करना होता है, तो लेट द हाइड्रोकार्बन बी प्रोपेन. जब भी हमारे पास, मैंने कहा तीन फैक्टर्स होते हैं, जब भी साइज के ऊपर मीन्स वैन डेर वाल्स फोर्सेस के ऊपर बात आती है, तो अगर क्वेश्चन कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस में पूछा है तो फिर साइज का वहाँ यूज नहीं हो सकता. साइज को हम एक्सप्लेनेशन में, वैन डेर वाल्स फोर्सेस को हम एक्सप्लेनेशन में नहीं लेंगे, क्योंकि साइज अगर इक्वल है या आस पास है तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस भी उसी के अकॉर्डिंग होगी. तो फिर हमारे पास जो फैक्टर्स रह जाते हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलैरिटी. तो ये चीज़ें हमें देखना है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के आने से अल्कोहल में पोलैरिटी आ जाती है, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो जाता है, और हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी कम होने की वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. तो अगर हम पोलैरिटी को कंसीडर करें तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर हैं, तो यहाँ पे वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो इस तरह से जहाँ पे स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल्स फोर्सेस होंगी वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर हमें अप्लाई करना पड़ेगा. दूसरा फैक्टर फिर हम चेक करते हैं कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का होना जरूरी है, साथ में हाइड्रोजन का. तो अल्कोहल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं. ये अल्कोहल है हमारे पास CH2CH3, इथेनॉल का केस लें अगर हम यहाँ पे, तो अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड. तो इस तरह से ये बनता जाता है अल्कोहल, अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है. नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, और फ्लोरीन भी नहीं होता, सिंपली जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं. तो ये इसका रीज़न हो गया फिर, कि अल्कोहल्स पोलर नेचर का होता है, हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर होता है. अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जिस वजह से अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोकार्बन से कंपेरेबल मॉलिकुलर मासेस के केस. आई होप ऑल यू गेट दिस. Let us take the another one question. Second question is, primary alcohols are more acidic than secondary alcohols. Primary alcohols are more acidic than secondary alcohols. इसको explain करने के लिए हमें दोनों के structures draw करने हैं. ये बहुत important है. जब भी हम किसी भी question का reason देने जाएंगे तो हमें उनके structures ध्यान में रखने हैं, उन structures से ही answer ढूंढने की कोशिश करनी है. तो let us first take the structure of primary alcohol. CH3CH2OH, ये primary alcohol होता है. CH3CH CH3OH, ये secondary alcohol होता है. तो हमारे पास दोनों के structure हो गए, primary के भी और secondary के. This one is primary alcohol
एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल्स क्यों ज़्यादा एसिडिक होता है? ज़्यादा एसिडिक का मतलब है प्राइमरी अल्कोहल एच पॉजिटिव को इजीली रिलीज कर देता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल। मीन्स हमें प्राइमरी अल्कोहल से किसको रिमूव करना है? एच को। सेकेंडरी अल्कोहल से भी किसको रिमूव करना है? एच को, जो उसका एसिडिक करेक्टर को एक्सप्लेन करेगा। जो जितना इजीली एच पॉजिटिव रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देंगे प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है, जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें उस कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, उसके साथ दो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। प्लस आई इफेक्ट दोनों में है, प्लस आई इफेक्ट दोनों में है, प्राइमरी में भी है सेकेंडरी में भी है, लेकिन प्राइमरी का जो प्लस आई इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू सेकेंडरी। इसको हम थोड़ा ओपन करके यहाँ पे बताते हैं आपको। CH3CHHOH ये हमारे पास प्राइमरी है, और CH3COH CH3 एंड H ये सेकेंडरी अल्कोहल है। आप यहाँ देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल में एक अल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द ऑक्सीजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो जिससे कि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स की इधर डिक्रीज होती है, मतलब वो कम हो जाते हैं चांस OH के इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन के पास आने से, जिससे कि H का रिलीज डिफिकल्ट होगा। अगर जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप यहाँ पे होंगे, अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप उस कार्बन के साथ जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके साथ अगर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा हैं, तो ये रिलीज एच पॉजिटिव की डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे बढ़ जाएगी, जिससे कि ऑक्सीजन को OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, रिलीज डिफ़िकल्ट हो जाएगी और एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी जितनी कि सेकेंडरी अल्कोहल में होगी, क्योंकि यहाँ पे दो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा कंपेयर टू प्राइमरी, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एच की डिफ़िकल्ट हो जाएगी कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो यही कारण है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट इन केस ऑफ सेकेंडरी कंपेयर टू द प्राइमरी, सेकेंडरी इज वीकर देन प्राइमरी, या प्राइमरी इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज फिनोल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हम फिर से इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देंगे दोनों के। एक तरफ हम यहाँ पे अल्कोहल ले लेंगे, एक तरफ फिनोल ले लेंगे, तो ये हमारे पास फिनोल है और यहाँ पे ये हमारे पास अल्कोहल है। अब फिर से एसिडिक करेक्टर पूछा है, तो मीन्स एच पॉजिटिव रिलीज कौन अच्छा करेगा, इजीली करेगा, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो होता क्या है, जो फिनोल है, जब फिनोल अपना एच रिलीज करता है तो फिनोल एच रिलीज करके फिनोक्साइड आयन बनाता है, ये दिस इज फिनोक्साइड आयन ये बनाता है, और अल्कोहल अपना एच रिलीज करके एल्कोक्साइड आयन बनाता है, दिस इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन, दिस वन इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। सो हम बता दें आपको कि फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल आयन है। क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है फिनोक्साइड आयन में, इसके जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं फिनोक्साइड आयन के वो इसको स्टेबल बनाते हैं कंपेयर टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि मीन्स स्पेशली अगर हम बात करें तो फिनोल के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिस वजह से अनस्टेबल हो जाता है और एच को रिलीज कर देता है, जबकि ऐसा कुछ फिनोक्साइड आयन में नहीं होता और रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये एच रिलीज करके रहना पसंद करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल जब एच रिलीज करता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, और एल्कोक्साइड आयन जो है वो लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती है। तो रेजोनेंस ना होने की वजह से एक कारण ये है कि ये अनस्टेबल है, तो ये फिर से एच के साथ जुड़ के अल्कोहल बना देगा, और दूसरा जो रीजन है वो फिर से प्लस आई इफेक्ट है। जो अल्कोहल होता है उसमें फिर से, जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, इसमें फिर से प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, एच पॉजिटिव की रिलीज
डिफिकल्ट हो जाएगी। यही कारण है कि जो एल्कोहल्स हैं कम एसिडिक होते हैं कंपेयर टू फिनोल, फिनोल से अगर कंपैरिजन करें। होप आपने आंसर समझ लिया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज एल्कोहल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स। एल्कोहल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स, व्हाई? जैसा मैंने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, एसिड के साथ, कि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एसिड से कम होता है। तो अगर हमने इसका रीजन देना है, फिर से हमने अल्कोहल्स और फिनोल्स दोनों को लेना है, सॉरी अल्कोहल्स एंड एसिड्स दोनों को लेना है। तो ये हमारे पास अल्कोहल है और दूसरी तरफ ये हमारे पास एसिड है, एसिटिक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH। जो अल्कोहल होता है, हमने बॉइलिंग पॉइंट को, मैंने कहा था आपको कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें कंपेयर करना है दो मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड्स का, तो हम तीन चीजों को लेते हैं, वंडरवॉल्स फोर्सेस साइज के ऊपर, फिर पोलैरिटी और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे दोनों में पोलैरिटी है, अल्कोहल में भी और एसिड में भी, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी दोनों में है। तो जो अल्कोहल्स मॉलिक्यूल है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, CH2CH3, ये इथेनॉल है, ये दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ जहां तक एसिड की बात है, तो एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होती है, ये एसिड का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा एसिड का हम मॉलिक्यूल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, दूसरी तरफ से भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। मैग्नीट्यूड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है वो एसिड्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्कोहल। सिंपल रीजन इसमें सिंपली आपने क्या कहना है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है एसिड्स में कंपेयर टू द एल्कोहल्स। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द एसिड मॉलिक्यूल्स, एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा हो जाएगा एल्कोहल से। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स। एल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज। अगर इसका हमने आंसर देना है तो सिंपल है, फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर हम इसका आंसर दें, हमें पता है ये अल्कोहल होता है और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, RR ही होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। यही एक सिंपल रीजन है कि जो सॉल्युबिलिटी है, वो जो अल्कोहल होता है, ये अल्कोहल है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर के साथ, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अल्कोहल वाटर के साथ, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। यही कारण है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, क्योंकि अल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर है, नॉन पोलर होने की वजह से ये पोलर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अल्कोहल्स एंड वाटर दोनों पोलर हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन्स नॉन पोलर है, इसलिए ये अल्कोहल्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में हाइड्रोकार्बन से, या हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं सॉल्युबल। ये सिंपल रीजन इसके पीछे है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना होना हाइड्रोकार्बन्स में कंपेयर टू द अल्कोहल्स, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस रीजनिंग क्वेश्चंस, जो सिंपल से रीजनिंग क्वेश्चंस थे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स से। आई होप यू लाइक दिस, और अगर आप इसको लाइक करते हैं तो लाइक का बटन दबाओ और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।